नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन साइज के हिसाब से स्ट्रोक लेंथ कैसे पता करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में मैं जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एक थंब रूल के अकॉर्डिंग है, थ्योरिकल है, ना कि ये प्रैक्टिकली है। अगर दोस्तों आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, फाइंड आउट स्ट्रोक लेंथ वी नीड, यानी कि दोस्तों स्ट्रोक लेंथ पता करने के लिए हमें इन चार चीज़ों के बारे में जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहला है सेक्शन साइज, दूसरा है एम्पेरिकल कांस्टेंट, तीसरा है मेटोलॉजिकल लेंथ और चौथा है मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड। तो दोस्तों, हमने इसमें सेक्शन साइज इसलिए कंसीडर किया है कि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि हम सेक्शन साइज के अकॉर्डिंग स्ट्रोक लेंथ कैसे पता करें। और दोस्तों, अगर बात करें एम्पेरिकल कांस्टेंट की, तो ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि मुझे लगता है कि अगर मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, तो शायद ये एम्पेरिकल कांस्टेंट का वीडियो कंप्लीट हो सके। हालांकि दोस्तों, हम एम्पेरिकल कांस्टेंट पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमने एम्पेरिकल कांस्टेंट को यहाँ फॉर्मूला में के से दिखाया है। और बात करें इसकी वैल्यू की, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमने 32 रखी है, यानी कि कंसिडर किया गया है थंब रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इसे चाहें तो 30 से 31 भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 30 से 32 के बीच में ही रखना है। उसके बाद दोस्तों है मेटोलॉजिकल लेंथ। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मेटोलॉजिकल लेंथ क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता है। अब अगर नहीं पता है तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो भी शेयर कर रखी है, आप चाहें तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कास्टिंग स्पीड की। तो दोस्तों, सेक्शन साइज को फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन चार चीज़ों के बारे में पता होने के बाद ही हम स्ट्रोक लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है D=K√T। और दोस्तों, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू दी गई है वो L/V, यानी कि L/V। और दोस्तों, सबसे पहले हमें भी की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड। हमने भी को कास्टिंग स्पीड से डिनोट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कास्टिंग स्पीड निकाल लेंगे। और कास्टिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला है V=L×K×K/D×D। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भी, एल, के और डी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, भी का मतलब है मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड, और के का मतलब है एम्पेरिकल कांस्टेंट, और एल का मतलब है मेटोलॉजिकल लेंथ, और डी का मतलब है हाफ सेक्शन साइज। दोस्तों, हमें सेक्शन साइज का हाफ ही रखना है फॉर्मूला में। हमारा सेक्शन साइज चाहे वो 100 का हो, या 110 हो, या 125 हो, या 150 हो, हमारा सेक्शन साइज कुछ भी हो दोस्तों, हमें उसका हाफ ही लेना है फॉर्मूला में। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू को एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज दैट दोस्तों, यानी कि भी, यानी कि हमारी जो कास्टिंग स्पीड जो है वो हमें निकालनी है। और दोस्तों, हमारा जो एम्पेरिकल कांस्टेंट है वो हमारा 32 है। दोस्तों, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल लेंथ है वो 10.25 है। और डी है हमारा सेक्शन साइज, जो हमने 100 के सेक्शन का हाफ लिया है, यानी कि 50। तो चलते हैं दोस्तों, इसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है, V=L×K×K/D×D। तो दोस्तों, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल लेंथ है वो 10.25 है, और हमारा जो एम्पेरिकल कांस्टेंट है वो है 32। तो दोस्तों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.25 × 32 × 32, तो इसको कैलकुलेट जब किया हमने तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 10.496 आया। उसके बाद दोस्तों, जब हमने अपने सेक्शन साइज का स्क्वायर रूट निकाला, यानी कि 100 का 2 भाग में डिवाइड किया, तो उसका आंसर आया 50। अब दोस्तों, 50 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 2500। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड कैसे करना है। तो दोस्तों, 10.496 को अगर हम
डिवाइड करते हैं 2500 से, तो अगर डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर निकल के आता है वो 4.1984 आता है, यानी कि मीटर पर मिनट। यानी कि दोस्तों जो हमारी कास्टिंग स्पीड है वो 4 मीटर के आसपास है, जो कि हमारी वी की वैल्यू है। अब दोस्तों चलते हैं आगे और बात करते हैं स्टॉक लेंथ के फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों हमारा स्टॉक लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 3.34 इंटू मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड, और हमारी जो मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड आई थी वो 4.1984 मीटर पर मिनट आई थी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टॉक लेंथ कितना आता है। तो दोस्तों जब हमने 3.34 इंटू 4.1984 किया तो उसका आंसर जो निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया 14.0227 mm, यानी कि हमारा जो 100 का सेक्शन है उसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो 14 mm के आसपास का है। तो दोस्तों ये था हमारा जो फॉर्मूला जो हमने थंब रूल के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।